बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा है हिना परवेज बट ने औरत मार्च पर पाबंदी के खिलाफ वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, उसके लिए उसके अगेंस्ट उन्होंने पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा करवा दी है कि ये औरतों का राइट है और उनको ये हक बनता है। बात बिल्कुल ठीक है, ये इससे मजहबी उमूर का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ का। ये वफाकी जो 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 वजीर है जो उनका शेख रशीद का काम है कि वो एक लाए अमल उनको खातिन को दे, जो उनके लीडर्स को, कि आपने इस जाब्ता इखलाक के मुताबिक जो है ना आपने मार्च कर रहे हैं। लेकिन इखलाक की तो हमारे वजीर को भी कोई पता नहीं है कि जो वफाकी वजीर है शेख रशीद, उसके खुद अपनी इखलाकी अलग खासी ख़राब है। कभी आप उनकी निजी प्रोग्राम सुने तो वो उनकी न्यूड गुफ्तगू होती है हर महफिल में। बहरहाल ये उनको क्योंकि इमरान खान साहब के ज़्यादातर साथी जो उनसे हैं इसी किस्म के हैं। मैं सिर्फ वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल कादरी साहब से एक मुद्दमाना गुजारिश ये करता हूँ, आप बहुत मुख्तलिफ खेल खेलते रहे हैं, लोगों की जानों से भी खेला है आप लोगों ने, कभी किसी मजहब के खिलाफ चल पड़ते हैं, कभी किसी के चलते हैं, और कोई दफ़ा आपको ख़त्म नबूवत का इशू नहीं मिला तो आप औरतों के पीछे लग गए। हालांकि इमरान खान ज़ाती तौर पर इस वक्त गले तक फंसा हुआ है और उसकी हालत एक काबिल रहम है कि उसके ऊपर रहम करना चाहिए कि उसको मजीद उलझनों में ना पकड़ाएं फंसाएं, क्योंकि आपने कुछ काम जिंदगी में कोई नहीं किया तो आप ये करें। आपका काम मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा जून के महीने के अंदर दबा दब आपके जो मुफ्ती आलम दीन और बड़े बड़े प्रोफेसर मदरसों के उनकी वीडियोज आनी शुरू हो गई थी, बेतहाशा वो पकड़े जा रहे थे, कभी किसी बच्चे के साथ बदकारी कर रहे हैं, कभी अपने शागिर्दों में बदकारी कर रहे हैं। 70 साल का उनका जो प्रिंसिपल है 30-35 साल के अपने शागिर्द से बदकारी कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं और आज भी इस वक्त भी अगर आप ढूंढें तो रोज़ाना ही जो सीना इनकी वीडियोज आ रही हैं और लोग अब उसको जिक्र नहीं करते। आप इसके रोकथाम के लिए करें, क्योंकि इसको तो आप परवान चढ़ा रहे हैं इस कल्चर को। आप ख्वातीन के पीछे पड़ गए हैं कि ये लॉन्ग मार्च ना करें। आप जो मदरसों में काम कर रहे हैं, बदकारियाँ कर रहे हैं, गंद माँ की तालीम दे रहे हैं, एक बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है वहाँ पे मदरसे में उसके साथ ये शुरू होता है, वो बूढ़ा हो जाता है, वो उसके साथ तब भी वही हो रहा होता है, फिर वो जो बच्चा होता है जो बूढ़ा होता है वो भी फिर अपने शागिर्दों के साथ वही कुछ करता है। आप इसकी रोकथाम करें, ये लूट की कौम पैदा कर रहे हैं ना आप, नई लूट की कौम पैदा कर रहे हैं, उस पर रोकथाम करें। ये है असल मकसद आपको बनाया गया है। ये नहीं कि आप ख्वातीन का मसला, ये नहीं कि मजहबी उमूर जरूर आएगा, आपको मजहब का पता क्या है जो आप मजहबी उमूर पे बात कर रहे हैं? दाढ़ी रखने से आप मजहबी उमूर वो बन गए, मतलब है कि आप आलिम बन गए या मुफ्ती बन गए? मुफ्ती आपको किसी को भी नाम ले, मैं भी दाढ़ी रख लूँ कल को मुफ्ती कहना शुरू, दो बंदे मैं रख लूँ वो मुफ्ती मुफ्ती कहते रहेंगे तो मैं एक दिन मुफ्ती हो जाऊँगा। आप कुछ ख्याल ये करें, आप क्यों औरतों से पंगा कर रहे हैं? आपका काम नहीं है। औरतें उस इस पाकिस्तान की एक शहरी हैं, उनके उतने ही राइट्स हैं जितने के मर्दों के राइट्स हैं। अगर वो कोई वॉक करना चाहती हैं या लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं करने दें, आप उन्हें, आपको क्या गरज पड़ी है खामखत? आप मैं देख रहा हूँ कल चैनल्स पे देख रहा हूँ दबा दब मौलवी लगे हुए, जिस मौलवी को कभी नाक साफ करने की तमीज थी वो भी जो है वो लगा हुआ है औरतों से पैसे कर रहा है खामखा की। तो ये चीज़ें जो सी हैं आप इसको ख़त्म करें और उस काम पर तवज्जो दें जिस काम का मैंने जिक्र किया है कि आप जून से जो आपकी जो मुख्तलिफ वीडियोज आनी शुरू हुई थी, नाम नहीं लेता, मुफ्ती अजीज है और बहुत सारे हैं, आपका कवि है और कितने लोग हैं जिनकी किरदार आप सबको पता है और आप ही के दोस्त यार हैं वो सारे के सारे। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पर की रोकथाम करें, ना कि औरतों के पीछे आप पड़ रहे हैं कि जो मार्च करें ना करें, और मार्च करें ना करें आपको इससे क्या गरज पड़ी है? आपको उनको दखल देने ही देनी है। जब वो कानून की खिलाफ वर्जी करें, कोई ऐसे तोड़ फोड़ करें तो आपको लेडीज पुलिस है जो उनको पकड़े, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए, बिल्कुल करें, ऐसा वो कभी नहीं करेंगी। आप वो नारे लगा रही है लगाने दें, हाँ उन्होंने 2 साल पहले कुछ थोड़े से ऐसे पोस्टर बनाए थे जो इखलाक से गिरे हुए थे, क्योंकि बास बच्चियाँ जो बाहर से पढ़ के आई थी तो उनको समझती थी कि यहाँ पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान का वो कल्चर नहीं है। तो आप अपने हकूक की जरूर बात करें लेकिन वाहियाती से बचें। और मैं भी इस बात का हक में हूँ कि औरतों को अगर वो लॉन्ग मार्च करना चाहती करें, लेकिन इखलाक के दायरे के अंदर रहें।
तो ये नाजरीन ये बात है सारी कि मैं इस बात पे हैरान हूँ। मैंने कल कुरान देखे बहुत सारे, तो मेरा दिल चाह के मैं इनको कहूँगा तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हें किसने कहा कि ये मजहबी उम्र का काम है को औरतों को मार्च से रोकना, और वो भी अकल के अंधे हैं हमारे वजीर आजम साहब, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। हर केस भी मजहबी उम्र का काम नहीं है, ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है और ये शेख रशीद साहब का काम है कि वो एक जाब्ता इखलाक वहाँ जारी करें और कहें कि आपने आपने मार्च जरूर करना है और आप मार्च करें, आपके लिए ये रोड है कितना लंबा करना है, 20 किलोमीटर करना है, 50 किलोमीटर करना है, 100 किलोमीटर करना है या 2 किलोमीटर का मार्च करना है इस्लामाबाद में, आप उसे जगह कर लें, वो जगह आप उनको वही मुहैया कर दें उस टाइम पे, बस खत्म हो गई इतनी सी बात। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो कोई रोला नहीं होगा। इमरान खान साहब को मजीद ना उलझाएं, ये ना कल को औरतें इनके खिलाफ हो जाए, औरतों ने तो उनको जिताया है। तो ये सारी सूरत है नाजरीन, ये मकसद ये था बात करने का कि हम बहुत सारी मुश्किलें पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं और दुनिया के हालात ख़राब हो रहे हैं, जंग का ख़तरा है। हमें अगर छोटा मोटा काम ऐसे ख़त्म हो जाता है ना, 8 मार्च को वो करेंगे 2-4 घंटे सुबह ख़त्म हो जाएगा, आप उसको खुदा ना खास्ता कोई लाठी चार्ज हो जाए, किसी का सर फट जाए, किसी को गिरफ्तारी हो जाए, एक रोला बन जाएगा खम का। तो उनको खामोशी से करने दें, जितना शोर मचाने वो मुझे आदमी चाहती है। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। नासिर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।